सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो ये 2023 का अपना पहला वीडियो हो रहा होगा और यहाँ पे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली हैं। यहाँ पे हम बैचेस की भी बात करेंगे, किस किस बैचेस के लिए है और अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सर जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है वो क्रेड की साइड से आ जाती है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट होता क्या है? ठीक है, तो आपने डेवोप्स सुना होगा, ईटी सुना होगा, ठीक है, एसडीईटी, उसके बाद आपने सुना होगा एसआरई। तो अब बहुत कंफ्यूज हो गए कि एसडीईटी में क्या डिफरेंस होता है, एसआरई क्या होता है, डेवोप्स क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि एक्चुअली इसका डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे लिए एसडी एसडीईटी सब सेम था, मुझे था कि भाई जॉब मिले। ठीक, बाद में जब आप एक्चुअली जॉब में आते हो देन यू गॉट टू नो कि नहीं नहीं दोनों चीजें अलग होती हैं, दोनों के काम थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं कि एसडीटी क्या करता है। एक बार हम लोग पहले ओपनिंग पे थोड़ा सा नजर मारते हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट की बात करें सो इट्स 1 to 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। तो आप 2022 या उससे प्रीवियस पास से हो गए देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब ओपनिंग। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से आनी चाहिए वो फिर हम समझते हैं। हैव एक्सपीरियंस इन द मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेंशन है वो आप एक बार जाके देख लेना, अगर आपको लगता है इट इज गुड टू लर्न। ठीक है, अगर आपने काम नहीं भी किया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने हैं। आपने अगर कॉलेज में हो गए या कॉलेज से पास आउट हो गए, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो दैट विल वर्क। ठीक है, देन जीरा वगैरह जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जीरा हो गया, रैली डेव हो गया, फॉगबज हो गया, ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेजरली मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ये टूल्स जाके देख लेना, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड काइंड ऑफ दो चीजें। ठीक है, अब क्रेड पे लाइफ कैसी होती है सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं यार अपनी दूसरी ओपनिंग की तरफ। ठीक है, जो कि है हमारी एडोबी से। ठीक है, एडोबी में जो ओपनिंग है दैट इज एसआरई फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल। जॉब लोकेशन इसका भी बैंगलोर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी जॉब लोकेशन बैंगलोर ही है। एडोबी का ऑफिस नियर बाय माई ऑफिस है, सो इफ यू आर ज्वाइनिंग, इफ यू आर बेसिकली अप्लाइंग एंड ज्वाइनिंग, तो यू कैन जस्ट पिंग मी। ठीक है, वी कैन मीट। ठीक है, उसके बाद जॉब असोसिएटेड विद टू कैटेगरीज, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। कंपनी क्या करती है, व्हाट यू नीड टू सक्सीड। ठीक है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा सक्सीड करने के लिए, सब चीजें। ठीक है, मेजरली जो आपको रिक्वायरमेंट देखनी है वो बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आपके अगर यहाँ पे मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2022 बैच है, उससे प्रीवियस वाले अप्लीकेबल है, बट ऐसा यहाँ पे बैचेस मेंशन नहीं है। सो 2023 बैच वालों से दैट्स माय सजेशन, यू कैन ट्राई एंड अर्न एंड अप्लाई। अगर वो एलिजिबल नहीं हो गए आप यहाँ पे, सो दे विल कीप योर रिज्यूमे। ठीक है, एंड दे विल कीप पिंगिंग यू। ठीक है, फॉर द रिलेवेंट जॉब ओपनिंग्स, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन वो भी मिल जाता है आपको, तो आप जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जो समझ के जानी है वो एसडीईटी एसआरई। बोलोगे भैया बताया तो था यार, बताया नहीं, बट ठीक है, तो एसडीईटी एसआरई डेवोप्स, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यार अब हम समझते हैं यहाँ पे एसडीईटी, और क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ओपनिंग की बात करी है, एक एसडीईटी रोल की है, एक एसआरई रोल की। आपको डाउट होगा कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, अब अगर हम मोटा मोटा समझे तो दोनों जो है डेवोप्स के अंदर आप क्या जाते हैं, एसडीईटी रोल आ गया डेवोप्स के अंदर, एक आ गया एसआरई रोल। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों के काम में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम समझते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इन अ नटशेल डेवोप्स इंजीनियर जो है वो ऑफ फोकस इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, जिनको पाइपलाइन वगैरह बिल्ड करनी होती है, जबकि एसआरई की अगर हम बात करें तो वो होते हैं जो ऑपरेशनल स्केल या रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चैट जीपीटी पे। ठीक है, जहां पर उसने बहुत ही अच्छे से बताया कि एसआरई और एसडीटी में डिफरेंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम एसआरई की यहाँ पे बात करें तो एसआरई उन्होंने बताया है कि जो भी बेसिकली आपको स्केल करना है, ठीक है, आपने सिस्टम को स्केल करना है, मान लो आप जो है सर्वर यूज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आपको स्केल करना है उस सर्वर को, ठीक है, या उस सर्वर को डाउन स्केल करना है क्योंकि आप कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर कर रहे हो। ठीक है, बट उतनी कॉस्ट की रिक्वायर्ड नहीं है, उतने बड़े सर्वर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपको जो है बोलेंगे कि भाई आपकी सर्विस ज्यादा चीजें ले रही है, उसको डाउन स्केल करो। ठीक है, तो वो सारे काम होते हैं एसआरई के, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के। ठीक है, चीजों को रन करना, बिल्ड करना, हाईली बढ़िया सिस्टम बनाना, हाईली मेंटेनेबल अवेलेबल सिस्टम बनाना, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए सिस्टम, तो वो सारी चीजें बनाना जो होता है वो डेवोप्स के एसआरई के काम होते हैं। एसडीटी के काम क्या होते हैं, तो एसडीटी जैसे जो टेस्टिंग वगैरह हो गया वो होता है एसडीटी। ठीक है, एसडीटी इज मोर अबाउट द टेस्टिंग पार्ट, क्यूए टेस्टिंग, क्यूए टेस्टर वाली पार्ट होती है। एसआरई इज मोर अबाउट द डेवोप्स पार्ट। ठीक है, तो डेवोप्स वाले जो काम होते हैं वो एसआरई के पार्ट होते हैं, एसडीटी इज मोर अबाउट द टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, तो एसडीटी और एसआरई का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। डेवोप्स में और एसआरई में मेजर क्या डिफरेंस है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो
ये सारी चीजें डेवॉप्स के अंडर ही आ जाती हैं, ठीक है। तो बता रहा यार ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको, एसडीटी और एसआरई क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, क्यू इंजीनियर क्या होता है, एसडी तो आपको पता होगा वैसे क्या होता है, ठीक है, डेवॉप्स इंजीनियर के क्या काम होते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कुछ चीजें बताई कि आपको ये चीजें मैंडेटरी पढ़नी है फॉर क्रेड एंड जो है एडोबी, ठीक है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बैचेस मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एसडी से थोड़ी सी सैलरी इनकी कम होती है, बट ओवरऑल सैलरी इज वेरी गुड, ठीक है। और जो लोग एसडीटी रोल में जा रहे हो तो वो इन सम टाइम अगर दे आर गुड एट कोडिंग एंड ऑल दोस स्किल्स, ठीक है, सो दे कैन स्विच टू एसडी रोल ऑल्सो। तो वो होता है ना फर्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं विद सम बैड ब्रांच, तो बैड ब्रांच नहीं मैं यहाँ पे बोलूंगा बट सम अदर ब्रांच एंड यू वांट टू स्विच टू एससी एससी वगैरह, ठीक है, तो वो ऑप्शंस होते हैं। तो सिमिलरली आप एसडीटी वगैरह में जा रहे हो तो देयर इज एन ऑप्शन टू गो टू एसडी, ठीक है। आपको अच्छे से फोड़ना है, कंपनी में लोगों को समझाना है कि नो यू आर मेंट फॉर एसडी, ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो, देन यू कैन स्विच टू एसडी रोल, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल कि कैसे आपको करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो जहाँ पे आपको सारी जॉब ओपनिंग मिल रही होंगी तो जाके चेकआउट ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप कनेक्ट ऐप पे जाके सर्च कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम न्यूटन स्कूल, ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो ऑल द लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट यू हैव टू डू जस्ट गो एंड चेक आउट द अपॉर्चुनिटी, आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ उसमें क्या होगा, आपको बेसिकली एक फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन का कोर्स मिलता है दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, सो यू हैव अ फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, एनी ईयर, आप जब भी चाहोगे तो आप विद इन अ ईयर कंप्लीट कर सकते हो। बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शंस मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 5000 समथिंग, राइट, और बहुत अच्छे टॉप इंडस्ट्री मेंटर्स आपको मेंटर करेंगे आपकी, सो आपको कंप्लीट जर्नी में इंडस्ट्री मेंटर्स मेंटर कर रहे होंगे यहां पे फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो वाली कंप्लीट जर्नी में। बताना वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट आता है जस्ट आस्क इन द टेलीग्राम चैनल चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछो, आई एम देयर टू सॉल्व। अदरवाइज आप लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, देयर वी कैन कनेक्ट। टिल देन बाय बाय।